केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश भर में औषधीय और सगंध खेती व इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार भी केंद्र सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दे रही है। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई द्वारा हरिद्वार जनपद के विकास खंड भगवानपुर, लक्सर, हानपुर और नारसन में कृषकों से बड़े पैमाने पर लेमन ग्रास की खेती कराई जा रही है। इस योजना में बड़े पैमाने पर छोटे किसानों को जोड़ा गया है। कम लागत वाली इस खेती को किसान बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं और इससे आर्थिक लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। जनपद हरिद्वार में 314 हेक्टेयर क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती को 1559 किसानों द्वारा एक अतिरिक्त फसल के रूप में अपनाया गया है। लेमन ग्रास के तेल से साबुन व डिटर्जेंट फ्रेग्रेंस, उच्च कोटि के परफ्यूम तथा विटामिन ए युक्त विभिन्न उत्पादों एवं दवाइयों का निर्माण होता है। इसके साथ ही हर्बल चाय बनाने में भी इसकी पत्तियों तथा झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा आगामी वर्षों में जनपद हरिद्वार में 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लेमन ग्रास के साथ साथ मिंट की अतिरिक्त खेती का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार जिले के गेंडी खाता क्लस्टर में संयुक्त सहकारी खेती के माध्यम से 100 एकड़ भूमि में लेमन ग्रास की खेती की गई है। जनपद हरिद्वार में सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई द्वारा लेमन ग्रास और मिंट की खेती हेतु 5 क्लस्टर विकसित किए गए हैं और 50% सब्सिडी पर विभिन्न क्षमता के 21 आसवन संयंत्रों को काश्तकारों के माध्यम से स्थापित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत की है तथा ये कोशिश रंग ला रही है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि।